नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आज लेकर आया हूँ अपनी टाइप सी डेटा केबल के बारे में बताऊँगा आपको, जो मैंने वन प्लस की वेबसाइट से मंगाई है, क्योंकि मेरी जो चार्जर केबल थी वो ख़राब हो चुकी है, चार्जिंग में थोड़ा इश्यू आ रहा था। तो ये जो मैंने मंगाई थी ये वन प्लस की साइट से मंगाई है, और ये मैं बता दूँगा आपको, ये ब्लू डार्ट से थ्रू उन्होंने भेजी थी, और ये मुझे एक ही दिन में, मतलब मैंने जैसे आज बुक की थी तो मुझे कल मतलब मिल चुकी है, ठीक है। मतलब एक दिन का, अगर आप आज बुक करेंगे तो आपको ये कल मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसका जो मैं बता देता हूँ, इसमें देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और पीछे, और इसमें चलिए मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये आखिर है क्या। और तो दिखाता हूँ फिर मैं आपको, इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मैं इसकी टाइप सी डेटा केबल। चलिए दोस्तों ये देखिए, मैंने पैकेट खोल दिया है, ये मैंने वन प्लस की साइट से मंगाई है। इस पैकेट के अंदर ये देखिए ये निकला है, और इसके अंदर देखते हैं कुछ निकला है या नहीं। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये देखिए आपको इस तरीके से ये आपको एक पन्नी है, एक मतलब पन्नी है उसके अंदर लपेट कर दी है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, चलो इसको खोलते हैं अब। वन प्लस की जो वेबसाइट है, मेरा मंगाने का मेन कारण यही था कि मुझे जो डेटा केबल चाहिए थे वो ओरिजिनल चाहिए थे, और जो वैसे तो मुझे अमेजोन पे भी मिल रहे थे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल रही थी, पर जो मुझे मतलब उसमें बिल्कुल शॉर्ट ही नहीं है कि भाई ये है भी या नहीं है, या फिर वन प्लस की है या नहीं है, ये देखते हैं कि ये क्या है। ये दोस्तों ये देखिए, ये इसमें मेरा एड्रेस है, ठीक है, और इसमें मेरा अमाउंट है कि कितने की मुझे डेटा केबल, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए 849, मतलब 850 रुपये समझो इसे, ठीक है। इसका मतलब ये इसका बिल है। तो जैसे हम इसको अलग करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पे पीछे मैं आपको दिखा दूँ आपको इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इसके लिखे हुए हैं कि कहाँ की है, कब, चाइना, पता नहीं क्या, मार्च 2020, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है इसका, ठीक है। और पीछे जो लिखा हुआ है इसमें, इसका जो प्राइस है वो भी लिखा हुआ है 849 रुपये, और वन प्लस वॉब चार्जर टाइप सी केबल 100 मीटर। तो चलिए दोस्तों इसे खोलते हैं। मैंने अमेजोन से इसलिए नहीं मंगाई या फ्लिपकार्ट से, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो ओरिजिनल ही चाहिए थी। जब हम इतना महंगा फ़ोन ले सकते हैं 40,000 का, तो हम 849 की डेटा केबल भी ले सकते हैं दोस्तों, चार्जिंग में कोई इशू ना है, इसीलिए मैंने लिए, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर से देखिए निकलता है, ये बॉक्स को मैं यहाँ पर रख देता हूँ साइड में, बॉक्स के अंदर से ये डेटा केबल है, ये एक इसमें स्ट्रिप दिया हुआ है जो इसमें फोल्ड, ये देखिए ये इस तरीके की डेटा केबल है, ये देखिए ये काफ़ी बड़ी है डेटा केबल है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मेरी जो पुरानी केबल थी वो कैसी थी, और ये कितनी बड़ी है उससे, या छोटी है, बराबर उसके। तो एक मिनट वेट कीजिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है वो डेटा केबल जो मेरी पुराना डेटा केबल है। इसमें ये फ़र्क है कि ये गोल है और ये एक फ्लैट डेटा केबल दी गई उन्होंने, फ्लैट, और ये राउंड। और इसमें देखिए यहाँ पे एक वन प्लस का साइन भी है जो नई वाली है, और इसमें जो पुराना जो मतलब चार्जर के साथ आई थी उसमें कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और इसकी लंबाई देखते हैं, इसकी लंबाई दोस्तों लंबाई लगभग सेम है, कोई इशू नहीं है लंबाई में। और तो इसमें क्या है, जहाँ पे USB होता है वहाँ पे डैश लिखा हुआ था पिछले वाले में, पर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें ये है, ये और कोई बात नहीं है। तो बस दोस्तों, मेरे जो रिव्यू करने का मतलब यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ डेटा केबल किस तरीके की आती है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये मेरी वीडियो है वो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर करके शेयर मतलब कमेंट करें इसके बारे में,
और आपको कुछ और भी इसके बारे में जानना है या कैसे चार्जिंग कर रही है ये, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, बाय।